नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहलवान सागर राणा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील कुमार का एक कथित वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छत्रसाल स्टेडियम में बहुत से लोगों की भीड़ नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि एक कथित वीडियो उस समय का है जब सागर धनखड़ की हत्या की गई थी। वहीं सुशील कुमार को भी वीडियो में साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा सागर धनखड़ सुशील कुमार के सामने हाथ जोड़ता दिख रहा है। हालांकि वन इंडिया हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सुशील कुमार की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें सुशील दोस्तों के साथ हॉकी स्टिक से सागर की पिटाई करते हुए दिख रहा है। तस्वीरों में घायल पहलवान सागर धनखड़ को जमीन पर पीठ के बल खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है जो खुद सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। सुशील के हाथ में स्टिक लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो घटना वाले दिन खुद सुशील कुमार ने अपने दोस्त के मोबाइल से शूट करवाया था, ताकि कुश्ती सर्किट में उसका खौफ बना रहे। पुलिस ने सुशील को ये वीडियो दिखाया है। हालांकि सुशील ने इस वीडियो को लेकर चुप्पी साध ली है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अब तक सुशील और उसके साथी अजय बक्करवाला समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सुशील कुमार और उनके साथी अजय बक्करवाला से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशील बार बार यही रट लगा रहा है कि उन्होंने इरादतन अपने जूनियर सागर धनखड़ की जान नहीं ली, बल्कि वो तो सिर्फ उसे और उसके साथियों को डराना चाहते थे। सुशील सीधा और साफ जवाब नहीं दे रहा। ऐसे में पुलिस के सामने एक रास्ता मुलजिमों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का भी है, ताकि झूठ सच का पता लगाया जा सके। खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।